भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस समय मुंबई इंडियंस के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के बायो बबल में हैं। ऐसे में वे अपना 34वां जन्मदिन भव्य अंदाज से नहीं मना पाएंगे, क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस का कहर है और रोहित शर्मा खुद नहीं चाहेंगे कि इन हालातों में वे अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरे शतकों का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले रोहित शर्मा भी एक आम खिलाड़ी ही होते अगर उनकी तकदीर का फैसला एक महान खिलाड़ी नहीं करता। दरअसल रोहित शर्मा की किस्मत भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बदली थी, क्योंकि साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को धोनी ने बतौर ओपनर खेलने के लिए कहा था। इसके बाद से रोहित शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे हिटमैन बनते चले गए। हालांकि साल 2007 में ही रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था और वे देश के लिए खेलने लगे थे, लेकिन साल 2011 के विश्व कप में रोहित शर्मा को नहीं चुना गया था, जबकि उनके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए विराट कोहली को फाइनल 15 में जगह मिली थी। उस समय रोहित निराश भी थे, लेकिन 2019 के विश्व कप में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाकर सभी की बोलती बंद कर दी। आपको बता दें, रोहित शर्मा जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए तो वे एक ऑफ स्पिनर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में नीचे बल्लेबाजी करने आते थे। एक दो नहीं, करीब 6 साल तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा। वे परफॉर्म नहीं करते तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता, लेकिन साल 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शॉर्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कोई टीम तो छोड़िए प्लेइंग 11 से भी बाहर नहीं रख सकता था, क्योंकि साल 2013 के बाद से रोहित शर्मा हिटमैन बन गए और उन्होंने एक के बाद एक सीमित ओवरों की क्रिकेट में दमदार पारियां खेली और विश्व रिकॉर्ड बना दिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक या दो नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक जड़े हैं, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। रोहित के अलावा कोई भी खिलाड़ी एक से ज्यादा दोहरा शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं जड़ पाया है। इतना ही नहीं, वनडे मैच की एक पारी में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के ही नाम है। नागपुर में जन्मे रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन चौके छक्के के तौर पर भी बनाए हैं। उन्होंने 186 रन सिर्फ चौके और छक्कों के सहारे बटोर कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। आपको बता दें, रोहित ने 227 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की 220 पारियों में 32 बार नाबाद रहते हुए अब तक 9,205 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रन है, जो कि किसी भी एक खिलाड़ी का सबसे ज्यादा है। 48.96 की औसत से वे वनडे क्रिकेट में रन बना रहे हैं। अब तक 29 शतक, 3 दोहरे शतक और 43 अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं। 832 चौके और 244 छक्के वे वनडे क्रिकेट में जड़ चुके हैं। हालांकि टेस्ट कैरियर उनका ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन अब जैसे ही उनको ओपनर की भूमिका मिली है तो उन्होंने रेड बॉल से भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 38 टेस्ट मैचों की 64 पारियों में उन्होंने 2615 रन बनाए हैं। वे 7 शतक, 1 दोहरा शतक और 12 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वे 4 शतक जड़ने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने 111 मैचों की 103 पारियों में 2864 रन भी बनाए हैं। 4 शतकों के साथ उन्होंने 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। वनडे क्रिकेट में वे अब तक 252 चौके और 136 छक्के जड़ चुके हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने छक्के किसी भी एक बल्लेबाज ने नहीं जड़े हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।